दोस्तों वीडियो को पूरा सुनना है, एक दो चीज़ें क्लियर करना है आपको। अभी मेरी आज की वीडियो जो मॉर्निंग की है, सैटरडे मॉर्निंग, ट्राइसेप पे जिस पे बात की थी मैंने, क्लोज ग्रिप बेंच और डंबल किक बैक, तो आप में से ही किसी ने मैसेज किया था कि ये रॉन्ग टीचिंग है सर, ट्राइसेप की शेप को आप डंबल किक बैक से चेंज नहीं कर सकते। तो देखो, सबसे पहले तो आपका थैंक्स करता हूँ, आप इतने प्रिसाइजली मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, सुनते हैं और अपना ओपिनियन भी आपने दिया, इसके लिए आप वेलकम हैं। लेकिन मसल की शेप चेंज करने का तो मैंने बोला ही नहीं उसमें, मैंने कहा है कि जब हम बॉडी को शेप अप शुरू करते करना कंपटीशन के लिए, बल्किंग के बाद जब हम श्रेडिंग फेज में जाते हैं, यानी हम शेप अप शुरू करते करना, फैट को श्रेड करते हैं, उस टाइम के लिए डंबल किक बैक बेस्ट एक्सरसाइज है। इसलिए है क्योंकि देखो, आपको बॉडी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब एथलीट स्टेज में जाता है ना, तो उसको हर मसल को बड़ा हार्ड स्क्वीज करना पड़ता है। तो हम अपने वर्कआउट में पहले से ही एक दो ऐसी एक्सरसाइज डालते हैं जिसमें पीक कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है हमें, जैसे लेग्स की ट्रेनिंग में लेग एक्सटेंशन से हमें पीक कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा मिलता है, चेस्ट की ट्रेनिंग में केबल क्रॉस ओवर से हमें पीक कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा मिलता है। इसी तरह डंबल किक बैक ट्राइसेप की पीक कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, मैं अभी बोलता हूँ। मसल की शेप चेंज कोई नहीं कर सकता, ये मैंने अभी एक रिसेंट वीडियो में बोला आपको, शेप बाई बर्थ होती है। आप मसल का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, मसल की थिकनेस पे काम कर सकते हैं, हार्डनेस पे काम कर सकते हैं, मसल ज़्यादा हार्ड स्क्वीज हो इस पे काम कर सकते हैं, और उसी के लिए डंबल किक बैक बेस्ट एक्सरसाइज है जब आप शेप अप शुरू करते हैं कॉम्पिटिशन के लिए। दूसरा मैसेज आपका था कि सर इसमें तो वेट अंडर ग्रेविटी फॉल होता है, तो ये उतनी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। तो वेट तो भैया दुनिया की कोई भी वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइज लिया हो, आप सब में अंडर ग्रेविटी फॉल होगा। आपकी मास्टरी ये है कि आपने वेट को अंडर ग्रेविटी फॉल होने से रोकना, यानी नेगेटिव रैप आपका स्लो रहेगा। हम बार बार बोलते हैं नेगेटिव रैप को थोड़ा स्लो रखना है, वो क्या है, वेट तो गिरेगा, आपने गिरने से रोकना है, एफर्ट लगाना है। सेम डंबल किक बैक में भी है, नेगेटिव रैप थोड़ा सा स्लो रखेंगे, ऊपर पीक पे पूरा कॉन्ट्रैक्शन देंगे। तो ये दोनों ही बेस्ट एक्सरसाइज हैं, क्लोज ग्रिप बेंच बल्किंग के टाइम पे और डंबल किक बैक, मैं अभी बोलता हूँ बेस्ट एक्सरसाइज जब आप शेप शुरू करते हैं। मुझे लगता है आपका कंसेप्ट दोनों का क्लियर हो गया होगा, मैं आप दोनों को टैग भी कर दूँगा वीडियो में, आप दोबारा सुने वीडियो को और अच्छे से देखें और इसको समझें और अपना ओपिनियन फिर से दें। और देखो, गूगल से मेरी कोई फाइट नहीं है, ना मैं गूगल से कोई पेश करता हूँ कॉपी उठा के, मेरा अपना एक्सपीरियंस है 26 साल का, मैं उसी पे बात करता हूँ। और ये भी मुझे प्राउड है, हिंदुस्तान के किसी भी जिम में, किसी एक जिम में आके देखोगे तो इतने चैंपियन जितने ही जिम से निकलते हैं कहीं नहीं है आज के दिन। मेरी मास्टरी नहीं है, मेरे स्टूडेंट बहुत सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, और मेरे पास वही ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं जो सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो मेरी गलत टीचिंग से भी बहुत लोग चैंपियन बन गए। थैंक यू।